हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स बिगिन। वाओ, बहुत कुछ चल रहा है राइट नाउ। मुझे लगता है कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ चल रहा है उसके जहन में आपको लेकर। मुझे लगता है कि अगर अभी जो नेक्स्ट कार्ड होगा, दैट इज़ गोइंग टू डिटरमिन कि बेसिकली क्या आपकी कनेक्शन में जो एंडिंग मैं देख रही हूँ इस कार्ड के साथ, जो एक चेंज मैं देख रही हूँ, इज़ इट गोइंग टू बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ बुरा भी हो सकता है। बट येस, मुझे लग रहा है कि चेंज जो है, एक मेजर शिफ्ट जो है, वो डेफिनेटली होने वाला है। नाउ अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो कि आपका एक्स है, मुझे लगता है कि, और जिससे आपकी शायद बातचीत नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन डेफिनेटली एक नया स्टार्ट लेने वाला है इस इंसान के साथ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है, जो एनर्जीज मुझे इससे दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म होने वाला है कनेक्शन। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक एंडिंग की तरफ भी जा सकती है। बट लेकिन अगर ऑलरेडी आप एंडिंग से डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ आपके लिए एक नई जो है शुरुआत होने वाली है, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हो आप एक दूसरे के साथ। लेट्स सी मूव कार्ड्स हियर और क्या होने वाला है, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। वाओ, न्यू बिगिनिंग इज डेफिनेटली कमिंग इन फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। क्योंकि जनरल रीड है और सारे साइंस के लिए है, सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम उस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि एक एंडिंग आपके कनेक्शन में हो। बट मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि एक नया फेज आप अपने पर्सन के साथ शुरू करने वाले हो, क्योंकि वो चाहता है। इट्स मोर लाइक कि हो सकता है कि पहले हमेशा आप चाहते थे कनेक्शन के अंदर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। उसकी सोच, आप उसका प्यार, उसकी इंटेंशन, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर बदल रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपके बारे में ऐसे सोच रहा है जैसे कि शायद आप उसके लिए आइडियल पर्सन हो राइट नाउ। हो सकता है इवन अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो सकता है कि अगर उसने कभी किसी और को चूज़ किया हो, या फिर अपनी फैमिली को चूज़ किया हो, या फिर अपने करियर को चूज़ किया हो आपको छोड़कर, तो तब लग रहा है कि इन दैट सिचुएशन शायद उसकी ज़िंदगी में वो फेज़ आ रहा है जहाँ पर उसको अपनी लव लाइफ का डिसीजन लेना है। जिसके बाद जब वो सोचता है कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी थॉट जहाँ पे वो अपनी लव लाइफ के बारे में फोकस करना चाहे, तो मुझे लगता है कि उसको आपसे अच्छा ऑप्शन जो है अपनी ज़िंदगी में दिख नहीं रहा। सो अगर हम बात करें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक 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 रफ फेज जो था, या एक एक थॉट प्रोसेस जो था उसका आपको लेकर, वो डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। एक नया चैप्टर, एक नया वे ऑफ लुकिंग एट यू इज़ डेफिनेटली कमिंग इन। यू नो, वो आपको डिफरेंट तरीके से देख रहा है, एक इंटेंशन बदल रही है उसकी आपको लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ वांड्स, द स्टार। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से वो एक डिसीजन बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, और कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहा था, कहीं ना कहीं वो देख रहा था कि चीज़ें कैसे आगे जाती हैं। अगर तो आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो, इन दैट सिचुएशन टू, मुझे लगता है कि अगर आपने सही तरीके से कनेक्शन में डील किया है और अगर आपका पैचअप हुआ है किसी एक्स के साथ, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो एनर्जीज हैं वो शायद आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो इन सर्टन सिचुएशंस, जिसके बाद वो लव लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेगा। लेकिन अगर कोई एक्स है जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि उसके साथ तो रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होने वाली है। बट हैविंग सेड ऑल दोज थिंग्स, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपका अपने आप के ऊपर काबू और कंट्रोल रखना। आपको वो सब मिस्टेक्स नहीं करनी है जो पास्ट में आप करते आए हो। आपको अपना आप जो है वो संभाल के रखना है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना जब तक आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ यू नो क्लैरिटी के साथ एक स्टेप अहेड नज़र नहीं आता जो वो आपकी तरफ लें। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि यू नो आपका पर्सन सपोज अगर आपको रीच आउट करता है रिकनसाइल करने के लिए, कम्युनिकेट करता है, तो डोंट गेट क्रेजी। यू नो जैसे होता है ना कि आप एक्साइटमेंट में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब तो लव एक्सप्रेस हुआ ही हुआ, अब तो शादी के लिए प्रपोजल आया ही आया। लेकिन अगर आप चीज़ों को स्लोली लेकर चलोगे इन दैट सिचुएशन टू,
तो अच्छा रहेगा। और जहाँ पे आप ऑब्सेस नहीं करोगे पर्सन के बारे में, तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो चेंजेस जो आप चाहते हो वो जल्दी होते देखेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ से इतने ज़्यादा यू नो एक्साइटेड हो जाओ और फिर आप एक्सपेक्टेशन जो है वो इतने हाई कर लो कि जैसे बस अभी शादी हुई कि हुई, तो वो चीज़ जो है कनेक्शन को ब्लॉक कर देगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लो की हो कि चलो इस कनेक्शन को आगे लेकर चलो। थोड़ा बहुत यू नो जितना आपको लगता है कि जिससे आप अटैच नहीं हो रहे फिर से पर्सन के साथ, उतनी लिमिट्स आपने रखनी है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उसकी सोच आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, जो कि शायद उसने कभी नहीं सोचा, वो सब सोच रहा है आपको लेकर। कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है आपकी लव लाइफ में, और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो, स्पेशली अगर आपकी ज़िंदगी में ये सडन शिफ्ट आ रहा है पर्सन के साथ। अगर आपका ऑलरेडी रिकन्सिलिएशन हो चुका है या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है एक्स के साथ, तो मुझे लगता है कि स्लो लेने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन को ज्यादा पेस अप नहीं करो अपने एंड से। अगर पर्सन करता है तो देन गो अहेड, लेकिन आप वो पर्सन नहीं होने चाहिए जो इन यू नो इनिशिएट करे ये सारा प्रोसेस। सो जस्ट ट्राई टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यस, मुझे लग रहा है चीजें काफी अच्छी हो रही हैं। स्टेबिलिटी और यू नो एक बैलेंस के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी कि आपने इनिशिएट नहीं करना, आपने पर्सन को इनिशिएट करने देना है। उसको ओपन अप करने दो, उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दो। आपने नहीं बोलना कि ओ यू मिस देम सो मच, ओ यू लव देम सो मच, या ऐसी कोई भी चीज़ आपने लविंगली उसको नहीं कहनी अनटिल एंड अनलेस ये पर्सन ओपन अप हो। ट्रस्ट मी, अगर आप ओपन अप करोगे ये पर्सन भाग जाएगा। ये पर्सन फिर से यू नो जो उसके फियर्स हैं वो क्रीप इन होंगे और फिर से वही चीज़ें होंगी जो होती आई हैं। इफ़ यू वॉन्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, आपको डिफरेंटली एक्ट बिहेव करने की ज़रूरत है। चीज़ें डेफिनेटली अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आने वाले दिनों में इस इंसान के साथ। बट अगेन, कोशिश करो कि आप अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, ज़्यादा गिव इन नहीं करो कनेक्शन में। लेट्स सी मैसेजेस आपके पर्सन के। वाओ, वी डू हैव टू कार्ड्स जो नीचे गिरे हैं। लेट्स सी, टू नहीं एक्चुअली, फोर कार्ड्स। सो फोर कार्ड्स ये इंक्लूड करते हैं मैसेजेस के पहले। लेट्स सी व्हाट इट हैज टू ऐड। आई नीड टू पुल अवे फॉर नाउ। आपके पर्सन ने हो सकता है कि पुल अवे किया हो और एक तरह से मिनी ब्रेकअप के बाद आपका पैचअप आने वाला हो। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर अगेन मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाऊंगी जो मैंने अभी बात कही, अगर आपकी रिकन्सिलिएशन होती है या अगर गिवन कनेक्शन में भी अगर आपका कनेक्शन चल रहा है, कोशिश करो कि आप बैक सीट ले लो उस कनेक्शन के अंदर। पर्सन को फॉरवर्ड यू नो मूवमेंट करने दो। आप इनिशिएट जितना कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इनिशिएट करोगे कोई भी कन्वर्सेशन, कमिटमेंट की बात, लव की बात, तो चीज़ें ख़राब होंगी। आपका पर्सन पुल अवे करेगा और आपसे आपको यही फील आएगा कि शायद हाँ यू नो इफ़ यू हैड डन थिंग्स डिफरेंटली तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सकता था। तो ट्राई करो कि ये होने से पहले अपने आप को चेंज कर लो। नो अदर कंपेयर्स टू यू। और कुछ लोगों के लिए जिनके आपका पर्सन वापस आ रहा है, मुझे लगता है वो कहना चाहता है कि आपसे जैसा कोई नहीं है उसकी ज़िंदगी में और ना ही हो सकता है। आपका जो दिया हुआ प्यार, आपके दी हुई यू नो टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया इस इंसान के लिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता। वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है। हैप्पी गो लकी, मुझे लगता है कि आपका पर्सन, उसको लगता है कि आपके साथ होते हुए इसकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाती है। आप इसकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस ऐड करते हैं जिससे ये खुश खुश रहता है और हमेशा अपनी ज़िंदगी में सकून फील करता है। शॉर्ट टेम्पर एंड एग्रेसिव हो सकता है कि वो आपके बारे में ये सोचता है, या हो सकता है कि वो खुद भी ऐसा हो, शॉर्ट टेम्पर और एग्रेसिव। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एडिक्शन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रही हो इन अ नेगेटिव वे, जहाँ पे हमेशा आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या एक फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप एडिक्टेड हो अपने पर्सन को लेकर। और अगेन, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस जो है वो मेनटेन रखो, ताकि आपके लव लाइफ में इस इंसान के साथ भी बैलेंस मेनटेन रहे। लास्ट कार्ड, आई एम ऑल योर्स टिल फॉर एवर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली आपका है, सिर्फ आपका है टिल फॉर एवर। पर अगेन, अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन ये रिवील करे, आपके आपके आपको रिवील करे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने मैसेजेस आपको ओपनली कहे, उसके लिए आपको उसको वो स्पेस देनी है जिसमें वो कह सके। अगर आप ही उसको बार बार बताई जाओगे कि आई लव यू और ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन उसको फील होगा कि उसको ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की। आपको क्यों फील होता है कि यू हैव टू से दैट यू लव दैम? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि उसको पता होना चाहिए, ताकि वो आपको यू नो छोड़ ना दे। अगर आप नहीं कहोगे तो आपका पर्सन कहेगा, ओपन अप करेगा, क्योंकि उसको वो फियर होगा जो कि शायद अभी आपको है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आपको चीज़ें जो हैं वो सही करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, अपने लव लाइफ में, अपने पर्सन के साथ जो चाहते हो वो ईजिली हो सके। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की।
अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर एफर्मेशन या कुछ भी ऐसा चाहिए जो मैं ऑफर करती हूँ सर्विसेज में, आप चेक कर सकते हो। और या नेक्स्ट रीडिंग के जब तक नहीं होती है, टेक केयर, बाय।